नवा कोर्स लेके हैं, ये मशीन इज़ लर्निंग, बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो चलो स्टार्ट कर देंगे, मशीन की तरह लर्न कर दिया। अच्छा, मशीन की तरह लर्न कर दिया, ये सीखने तो पहले अपन ये पता होना चाहिए कि लर्निंग की होती है ना। अपन रोज़ कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, तो उस प्रोसेस अपन स्टेप फॉलो करते हैं कि जो आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, कोई ना कोई आप गलती करते हैं, एरर या मिस्टेक करते हैं, फिर आप उस एरर नू मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, फिर दोबारा गलती तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत, फिर उन्होंने भी कट करने की कोशिश करते हैं। इदा एक लूप चलता ना, तो बिल्कुल इदा ही जोड़ा कंप्यूटर है या सिस्टम मशीन है, वह भी इदा ही लर्न करती है। तो अज का जो टॉपिक है वो लीनियर रिग्रेशन है, तो ये चलो स्टार्ट देखते हैं जी, आप की कोई स्टडी करा। अब एक एग्जाम्पल तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़े को डेटा हैगा, तुम इस डेटा में अपने सिस्टम के नाल ट्रेनिंग लैनी है, खुद ट्रेन हो जाओ, जैसे कल अगर मशीन को ट्रेन करो कि इस डेटा तो ट्रेनिंग लैन तो बाद एक अनसीन वैल्यू की आउटपुट प्रडिक्ट कर सको। ये को अपने इतने अपने को एक्स या इनपुट है, तो वाई जी है आउटपुट हैगी है। अगर एक्स इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, इनपुट 2 है तो आउटपुट 2 है, एंड सो ऑन। हूँ अगर मैं थोड़े को पूछा कि अगर इनपुट 11 होगी तो फिर आउटपुट की होगी, तुम कह दोगे फट कह दोगे 11 होगी, क्योंकि तुम अपने माइंड में ट्रेन कर लिया यूजिंग दिस ट्रेनिंग डेटा। इदी कंप्यूटर भी आप कंप्यूटर ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा जो थोड़ा पता है एक मैथमेटिकल जी चीज़ हैगी है, उन्होंने आप किसी मैथ की इक्वेशन है उन्होंने ट्रेन करना पैंता। तो कंप्यूटर वास्ते जी मैथ की इक्वेशन है इदा के डेटा वास्ते उन्होंने कहते लाइन इक्वेशन, जी आप पढ़ी होगी तुम्हें 9th 10th 11th पढ़ी होगी, ये लाइन इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी, एक्स की वैल्यू आई हैगी है। तुम एम तो सी नू अगर राइटली गैस कर लोगे तो वाई नू सही प्रडिक्ट कर सकते हो। फॉर दिस डेटा तुम कह लो कि अगर एम इज़ 1 तो सी इज़ 0 तो तुम राइटली प्रेडिक्ट कर सकते हो फॉर एनी अनसीन वैल्यू। तो इस डेटा वास्ते ग्राफ बन रहा, लाइन ग्राफ बन रहा, इतने आके गल 0 एंड हो रहा, एक्स 0 वाई 0 एंड सो ऑन, इतने आगे चल रहा। अगेन डेटा देखो, इतने एक्स 1 है वाई 2 है, अगेन तुम्हें लर्निंग कर ली होनी, सू पता लग गया होना कि वाई डबल हो रही है, 11 वास्ते सू पता वाई 22 होगी। तो कंप्यूटर ने कि लर्न करना, उन्हें एक्यूशन के थ्रू लर्न करना, इतने की कंप्यूटर करेगा कि वो एम की वैल्यू 2 कर दूगा तो सी की 0 कर दूगा, तो उस बाद जोड़ी भी प्रडिक्शन करेगा वो सही करेगा। तो ये लाइन ग्राफ बनता कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट द डबल वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, लो जब एक होर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ी सूँ गैस करने मुश्किल लगेगी, लेकिन तुम गैस कर सकते हो कि आप 1 डबल करते हैं फिर भी 5 प्लस करते हैं, 2 2 दर 4, 4 प्लस 5 9, 3 3 दर 3 2 दर 6, 6 प्लस 5 11 एंड सो ऑन। तो वही क्वेश्चन से अगेन सेम क्वेश्चन, जस्ट एम ते सी दी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जिहड़े बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एलगोरिथम्स है, जिस लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या न्यूरल नेटवर्क्स है, उन्हें सारे में यही लाइन इक्वेशन यूज होती है। बस एक उत्थे थोड़ी आप सिंबल्स थोड़ी चेंज कर लेते हैं, इन्हों तुम कह लो कि जो सी है उन्होंने अज्यूम करा थीटा नॉट हैगा, एम नूं आप थीटा 1 कह लें, तो आही लाइन इक्वेशन है। ये तुम बस ये चेंज करना, बस थीटा तो थीटा 1 की वैल्यू तुम अगर सही तरह प्रडिक्ट कर लो, ट्रेन कर लो, तो तुम आउटपुट में सही तरह प्रडिक्ट कर सकते हैं। तो आइडिया इज सेम कि तुम विद सम रैंडम वैल्यू थीटा में स्टार्ट करोगे, उस बाद एरर कंप्यूट करोगे, तो फिर थीटा की वैल्यू चेंज करोगे, दोबारा एरर कंप्यूट करोगे, एंड इस तरह करते 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 तुम एक पॉइंट से कन्वर्ज कर लोगे, इतने एरर मिनिमम होगा। तो वही अणके कह लो कि जो आप एग्जाम्पल देखे थे, बस कह लो कि अगर एच जी हैगी प्रडिक्शन हैगी है, तो आप एच कंप्यूट कर सकते हैं विद थीटा 0 एंड थीटा 1, एंड फॉर दिस इफ यू हैव दिस ट्रेनिंग डेटा
then theta 0 would be 0 and theta 1 would be 1. And for this training data, theta 0 would be 0 and theta 1 would be 2. And similarly, for this training data that you have already seen, theta 0 would be 5 and theta 1 would be 2. So, करेंगे कि ये इसके बाद अपन एरर कंप्यूट करेंगे. चलो एरर वास्ते अब एक सिंपल एग्जांपल ना स्टार्ट कर दें कि यही द मोस्ट कह लो कि सिंपलेस्ट एग्जांपल कि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये अपने को एना हो गया, ये एक्स वाई ट्रेनिंग डेटा हो गया. आप स्टार्टिंग वैल्यू लिया अपने को यही इक्वेशन है जिन्हें आप प्रेडिक्शन करनी है. इस इक्वेशन में आप थीटा जीरो से थीटा वन लर्न करना. लैट स्टार्ट विथ सम रैंडम वैल्यूज. तो लैट स्टार्ट के थीटा जीरो शुरू से जीरो होगा, थीटा वन भी जीरो होगा. अच्छा, बाई यूजिंग दीज टू वैल्यूज थीटा वन इज इक्वल टू जीरो एंड थीटा जीरो इज इक्वल टू जीरो वी प्रिडिक्ट दिस कॉलम. तो अपने को ये सारे जीरोज आ जाएंगे क्योंकि थीटा वन अगर जीरो है तो यह हमेशा जो है ना यह हमेशा जीरो हो जाएगा. तो आ तो पहले जीरो है तो सारे एच जीरो हो जाएंगे. हम आप देखते हैं कि कितना एरर आया, कॉस्ट या एरर कंप्यूट करते हैं. तुम्हें पता है एरर की होंगे, एरर डेफिनेटली जो डिफरेंस है एक्चुअल का प्रिडिक्टेड का उन्होंने आप एरर कहें. इतने प्रिडिक्शन इज एच एंड एक्चुअल इज वाई, एच माइनस वाई किया तो ये अपने को एरर आ गया. हम एरर अपने इतने नैगेटिव आ रहा. अच्छा, नैगेटिव एरर की कोई सेंस नहीं बनती ना, एरर या तो होंगे या नहीं होंगे. नैगेटिव एरर का मतलब भी यही है कि वो तुम एक्चुअल पॉइंट तो कितना दूर आ. पॉजिटिव एरर का भी यही मतलब है. इस वास्ते टू अवॉयड कन्फ्यूजन ऑफ नैगेटिव एंड पॉजिटिव एरर वी जस्ट टेक स्केयर ऑफ द एरर. ये स्केयर एरर हो गया, स्केयर एरर हो गया. लो जी ये अपने को 10 रोज बन गए हैं फॉर दीज 10 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स. आखिर तो आप इस एरर का एवरेज या मीन ले लेंगे. फिर आप कहते हैं मीन स्केयर एरर. तो अगर कह लो कि थीटा वन जीरो सेगा, थीटा जीरो जीरो सेगा, तो अपने को 38.5 एवरेज एरर आया फॉर दिस ट्रेन डेटा. लो जी आप हम थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं, इन आप 0.5 कर लेने हैं. तो दोबारा ये दो वैल्यूज आप पुट करते हैं इस इक्वेशन दे विच, तो आप कॉलम कंप्यूट करते हैं तो अपने को आ वैल्यूज आई हैं. इधर आप एरर कंप्यूट किया स्केयर्ड एरर एवरेज आया अपने को 9.5 आया. इधर मतलब है कि ये एरर पहले घट गया ना. देखो पहले एरर अपने को 38.5 सी, हम 9.625 आ गया. मतलब कि थीटा वन की वैल्यू बढ़ा अपना एरर घट रहा. इन्हों पर थोड़ा होर बढ़ा दें. लो जी अगर आप इन्हों बढ़ाया, इन्हें आप वन कर लिया, तो दोबारा आप एरर कंप्यूट किया. लो जी एरर तो जीरो हो गया क्योंकि जो ये वैल्यू पुट की इस इक्वेशन के प्रडिक्टड वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्टली मैच कर रही है. ठीक है, दोनों मैच कर रही हैं, दैट इज ग्रेट. एरर जीरो हो गया. तो अगर इस होर अगर बढ़ावे थीटा वन की वैल्यू तो एरर दोबारा बढ़ने लग पेगा. 1.5 किया एरर 9.625 आया, 2 किया एरर 38.5 आया. हूँ अगर आप एरर प्लॉट करिए कि अज्यूम के थीटा जीरो तो कॉन्सटेंट हैगा, इन्हों अपना नहीं रखते. आ जो है थीटा वन है, आ अपने को एरर फंक्शन हैगा, एरर या कॉस्ट हैगा. तो अगर थीटा जोड़ा है थीटा वन वो वैल्यू अगर वन तो लैस हैगी है, घटती जा रही है तो एरर बढ़ता जा रहा. यदि अगर वन तो ज़्यादा बढ़ती जा रही तो एरर बढ़ता जा रहा. सम हो आप चाहते हैं कि आप इनू थीटा इतने कन्वर्ज करना. तो ये जो ग्राफ है ये एरर फंक्शन ग्राफ है. इतने फिलहाल एरर फंक्शन अपने को ये है सम. आप स्केयर्ड एरर का सम लेंगे सब का, तो वह एम पर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल है कि एवरेज स्केयर्ड एरर है. अच्छा, आप थोड़ा जहाँ एरर फंक्शन चेंज कर लेंगे. जस्ट मैं तो टू एड करता, उन्हें कुछ भी नहीं होया, ग्राफ सेम है. जस्ट एरर की वैल्यूज हाफ हो गई हैं, लेकिन अगेन कन्वर्जिंग पॉइंट उ कि जो थीटा वन वन होगा उदो एरर कम से कम होगा. बस इधर करन दा फायदा यह है कि थोड़ी जी कंपटीशन करनी अगर जाके ए टू आप हेल्प करूँगा, तो कुछ एक, एक, एक एक्स्ट्रा टू है उन्होंने अवॉइड करने वास्ते आप टू इतने ला लिया. होर कोई परपस नहीं. अगर थोड़ा दिल नहीं मानता
ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਨਸੈਪਟ ਆ ਮੈਥ ਦਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਓ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਟਾ ਅਗਰ ਲੈਟ ਸੇ 0 ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਰਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਐਰਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਰਰ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਥੀਟਾ 2 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਰਰ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਰਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਐਰਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਰੇਂਡੇਬਲ ਜੋ ਥੀਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ 0 ਥੀਟਾ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਰਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਆ ਟਰਮ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਨਾ, ਲੈਟ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸੋਰੀ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੀਟਾ 1  'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ। ਇਹ ਲੋ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ 2 'ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੋਂ ਬਸ ਮੈਕਸੀਮਮ 1 ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, 1 ਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆ 1 ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 4 ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 'ਤੇ ਸੀਗੇ, 2 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਰਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਦਮ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਐਰਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਸਟੈਪ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਸਟੈਪ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ 0.001 ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ 4 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 4 ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 0.004 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਟੈਪ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਐਰਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ 0 ਜਾਂ ਥੀਟਾ 1, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਰਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ 0। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ 0 ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਕੰਪਿਊਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਜੇ ਓਵਰ ਡੀ ਥੀਟਾ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਡੀ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਡੀ ਜੇ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਹੈਗਾ,
एच के थ्रू कह लो कि लिहाज नंबर डेरिवेट ले सकते हैं इन टू आप करते हैं डी एच विद रिस्पैक्ट टू बच्ची मेटिंग की सही यार सही बड़ी कच्ची हैगी डी थीटा नॉट। अच्छा जी हम आप बारी बारी करते हैं जनाब इन शुरू करते हैं राजे इधर आए सरकार डी जे ओवर डी एच किया हाँ तो कॉन्सटेंट टर्म हैगी है ये थले आ गई वन ओवर टू एम हम यदा लेना डेरीवेटिव टू बार आ गया इन टू एच माइनस वाई तो फिर यदा डेरीवेटिव एच माइनस वाई का विद रिस्पैक्ट टू एच वन ही हो गया तो जनाब एस टू ना ए टू कैंसल इस वास्ते मैं थले टू एम लिया तुम अगर याद होगा ना मैं कहते थे मेरे मन के टू एम टू ला दो परपज बस ये कि आप बाद कैंसल करिए ताकि एम ही टू के नाल तुरा ना फिरे क्योंकि कॉन्सटेंट के नाल का कोई फायदा तो हों कोई नहीं इस वास्तव कॉन्सटेंट को रिमूव कर देना चंगा होंगे इस वास्तव कैंसल करने वास्तव पैसे टू लाया पिछले अपने को रह गया वन ओवर एच माइनस वाई ये हैगा जनाब डी जे ओवर डी एच हम आप करते हैं डी एच ओवर डी थीटा जीरो एच पर लैके तुम्हें क्वेश्चन याद होगी एच इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस एक्स थीटा वन ये क्वेश्चन सी ना प्रडिक्शन की ओवर थीटा जीरो आ तो जीरो हो गया ना थीटा जीरो है ही नहीं गा ये वन हो गया अपने को आंसर वन आया लो जी अपने को आंसर की आया वन ओवर एम एच माइनस वाई इंटू वन बस आई अपने को आंसर आ गया ये हो गया जी डी जे ओवर डी थीटा जीरो हूँ अपना अगर आप कंप्यूट करना ये आप अगेन उही तरीका यूज करा डी जे ओवर डी थीटा वन जिसमें चेन रूल करा डी जे ओवर डी एच इंटू डी एच ओवर डी थीटा वन हूँ एच जो आप पहले कंप्यूट किया हो ना पिछली स्लाइड में कंप्यूट किया आंसर अपने को वन ओवर एम एच माइनस वाई तो हम बस आ कंप्यूट करना डी एच ओवर डी थीटा वन इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस एक्स थीटा वन यार सवाल के पेन भी नहीं चलो क्या डी थीटा वन। अच्छा ये तो यदा जीरो हो गया ये थीटा वन हैगा तो यदा एक्स आ गया तो जवाब अपने को आ गया जनाबे वाली सरकार एक्स आ गया तो यदा आप पहले कंप्यूट किया हो तो जनाब आंसर आ गया यदा सगा तुम याद हो गया वन ओवर एम एच माइनस फाइव तो यदा आंसर आया अपने को एक्स ए जनाब आ गया यदा आंसर तो गल मुकदीम कौर जी ए अपने को बन गई क्वेश्चन थीटा नॉट माइनस अल्फा इंटू वन माइनस एम एच वाई ए होएगा यानी हर आइटम आप थीटा जीरो इदा अपडेट करा थीटा वन आप इदा अपडेट करा तो इस बाद अगर आप एक एग्जाम्पल देखते हैं एक्सएल कर लेंगे या किसी पाइथन या मैटलैब कर लेंगे जिसे आप कोई एक सिंपल एग्जाम्पल लैके सारा एलगोरिथम चला के देखते हैं तो देखते हैं कि किदा मशीन लर्न कर दी यूजिंग this interesting concept of derivative and gradient descent. Rab rakha ji, bye bye.